नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर में बैठ के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इस वीडियो में सिख धर्म और सिख संप्रदाय के पार्ट टू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सिख धर्म और सिख संप्रदाय का एक वीडियो आया था जिसमें हमने सिख के 10 गुरुओं में से 5 गुरु को चर्चा किया था और बाकी बचे हुए 5 गुरु को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, जो सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, उसके बाद गुरु अंगद देव जी, उसके बाद गुरु अमरदास जी, उसके बाद गुरु रामदास जी और लास्ट में 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को हम लोगों ने देख लिया था, उसको पढ़ लिया था, उसके बारे में जान लिया था। आज हम लोग 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में देखेंगे और उसके बाद क्रम से जितने भी गुरु आए हैं 10 गुरु उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अगर आप इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इससे पिछले वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, जिनका शासन काल रहा था 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी में। अब ये कौन थे? तो इनके पिता का नाम गुरु अर्जुन देव जी थे, मतलब जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, उन्हीं के ये पुत्र थे और माता का नाम गंगा था। ठीक है, अब इन्होंने सिखों को अस्त्र शास्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी जो कि जहांगीर के एक पुत्र थे खुसरो, तो जो खुसरो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे उसमें गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो को सहायता किया था और जिसके कारण से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को फांसी की सजा दे दी थी। तो इससे क्या हुआ कि इनके जो पुत्र हुए गुरु हरगोविंद सिंह, उनको लगा कि हम सिख जो है अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाते हैं और मुगल कभी भी हमें सजा दे देते हैं। इसी कारण से इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र लेने की और शस्त्र की विद्या का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया तथा इन्होंने सिखों को मिरी और पिरी दो तलवार रखने को कहा तथा सिख पंथ को योद्धा के रूप प्रदान किया। यानी कि अब सिख धर्म का जो उन्होंने एक रूप चेंज किया जिसमें ये कहा गया कि सिख एक योद्धा की तरह रह सकते हैं और वो अपने पास दो तलवार मिरी और पिरी नाम का रख सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे आजकल भी जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो अपने पास दो तलवार रखते हैं, वो दो तलवार मिरी और पिरी है जो कि 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने छोटी सी सेना बना ली जिसके कारण इन्हें 12 वर्षों तक मुगलों के कैद में रहना पड़ा। अब इसी क्रम में जब इन्होंने सिखों को एक योद्धा के रूप में परिवर्तित करना चाहा तो उसने अपनी एक सेना बनाना शुरू कर दी और एक छोटी सी सेना उन्होंने बना ली ताकि दूसरे से अपनी रक्षा वो खुद कर सके, सिखों की रक्षा खुद कर सके। तो इसके कारण मुगलों को लगा कि ये हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं या समय में वो हमें विद्रोह कर सकते हैं या हम पे आक्रमण कर सकते हैं, जिसके कारण शुरू में ही हरगोविंद सिंह जी को अंग्रेज मुगलों ने 12 साल तक कैद में रखा और जब उसने कैद से रिहा हुआ तो उस समय मुगल शासक थे शाहजहां। कौन थे दोस्तों? शाहजहां। तो रिहाई के बाद इन्होंने शाहजहां के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, विद्रोह शुरू कर दी और 1628 ईस्वी में अमृतसर के निकट मुगल के फौज को उसने हरा दिया। मतलब सेना को इस तरह से उसने संगठित कर लिया था कि जो मुगल के फौज के साथ उनका युद्ध हुआ उसमें उसने मुगल के फौज को हरा दिया। अब वहां से सिख धर्म का जो योद्धा का रूप है और आगे बढ़ने लगा और उसमें एक आत्मविश्वास की शक्ति सी जागृत हो गई। उसके बाद इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण हरमिंदर साहिब परिसर में करवाया। अब अकाल तख्त, सिखों के 5 अकाल तख्त हैं, उसमें से जो सबसे पहला तख्त था वो अकाल तख्त था जिसने उन्होंने हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है उसी के परिसर में बनाया। अब ये अकाल तख्त क्या है, अकाल तख्त क्यों बनाया? तो अकाल तख्त एक सिंहासन की तरह है जहाँ पे सिख धर्म के सर्वोच्च प्राधिकारी जो आप कह सकते हैं या जो सर्वोच्च प्रवक्ता है वो बैठते थे और वो इसीलिए उन्होंने निर्माण कराया कि सिख धर्म में जो न्याय संबंधी या सांसारिक मामलों के विषयों पर विचार किया जाता था क्योंकि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, किसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उन सब मामलों पे अकाल तख्त पे बैठ के जो सिखों के उस समय गुरु हुआ करते थे वो अकाल तख्त पे बैठते थे और वो
वही न्याय संबंधी मामले या सांसारिक जो भी मामले हैं विषय हैं उस पे विचार किया जाता था। तो अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने इसीलिए करवाया था। और अकाल तख्त एक तरह से सिखों के लिए राजनीतिक संप्रभुता का भी प्रतीक है कि उस पे बैठा हुआ आप एक तरह से राजा समझ सकते हैं कि सिखों का सिख धर्म का जो सर्वोच्च अधिकारी कह सकते हैं या प्राधिकारी कह सकते हैं या सिखों के सर्वोच्च प्रवक्ता कह सकते हैं कि उनके द्वारा निकला हुआ शब्द उनके द्वारा निकला हुआ आदेश निर्देश सभी सिखों को पालन करना होगा। तो यही अकाल तख्त का मुख्य कारण था उनको बनाने का। तो ये अकाल तख्त जो है वो हरमिंदर साहिब परिसर में गुरु हरगोविंद साहब ने बनाया था। आज के डेट में 5 अकाल तख्त है जिसमें से ये अकाल तख्त पहला अकाल तख्त था। 1644 ईस्वी में कीरतपुर पंजाब में इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, 1644 में जब इनका निधन हो गया तो फिर नेक्स्ट गुरु जो आए वो गुरु आए गुरु हरराय जी। गुरु हरराय जी जो कि सातवें गुरु थे, सातवें गुरु, इनका शासन काल रहा 1645 से लेकर के 1661 ईस्वी में। अब ये कौन थे गुरु हरराय जी? तो ये गुरु हरगोविंद के पुत्र बाबा गुरुदिता जी के छोटे बेटे थे, यानी कि जो हरगोविंद सिंह जी थे उनके एक बेटे हुए गुरुदिता, बाबा गुरुदिता। अब बाबा गुरुदिता के जो छोटे पुत्र थे वो थे गुरु हरराय, यानी कि गुरु हरगोविंद सिंह के पौत्र हुए गुरु हरराय जी, जो कि 1645 से 1661 ईस्वी में इनका शासन काल रहा। इनका विवाह किशन कौर के साथ हुआ। गुरु हरराय का विवाह किसके साथ हुआ? किशन कौर के साथ हुआ, और जिसके दो पुत्र हुए, बड़े पुत्र थे रामराय जी और दूसरे पुत्र थे हरकिशन जी। रामराय जी और हरकिशन जी, गुरु हर राय ने औरंगजेब के भाई दारा सिखों का के विद्रोह में भी मदद की, क्योंकि सिखों को मुगल से अब पारस्परिक संघर्ष चल रहा था। तो जो मुगल का विरोध करते थे उसको सिख जो है वो सपोर्ट किया करने लगे। तो उस समय जो औरंगजेब था तत्कालीन मुगल शासक या बनने वाला था मुगल शासक औरंगजेब, तो उसका विरोध जो है उनके बड़े भाई दारा सिखों कर रहे थे और उनको सपोर्ट जो है वो गुरु हर राय ने किया था। 1661 ईस्वी में गुरु हरराय का निधन हो गया। अब जब गुरु हरराय का निधन हो गया तो अब गद्दी पे या अगला गुरु कौन बने, तो इस पे डिस्कस हुआ था। लेकिन गुरु हरराय ने अपने जीवन काल में ये बता दिया था कि अपने जो छोटे पुत्र थे हरकिशन जी उनको गद्दी पे बिठाना है। तो इसी कारण से जो अगला गुरु हुआ वो गुरु हरकिशन जी साहिब बने, क्योंकि रामराय जी उतने काबिल नहीं थे या उतने योग्य नहीं थे। तो नेक्स्ट गुरु को हम लोग देखते हैं गुरु हरकिशन साहिब जी को। तो अगले जो आठवें गुरु थे वो थे गुरु हरकिशन साहिब जी। उनका शासन काल रहा 1661 से 1664, बहुत ही छोटे अंतराल के लिए वे गद्दी पे बैठे थे। इनका जन्म 7 जुलाई 1656 ईस्वी में करतारपुर साहिब में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि हमने बताया था कि ये गुरु हरराय साहब के छोटे पुत्र थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्होंने गद्दी प्राप्त कर ली, जिसके कारण क्या हुआ? तो कम उम्र के कारण जो तत्कालीन मुगल शासक थे औरंगजेब, जो कि कट्टर इस्लाम धर्म के सपोर्टर थे, उसने क्या किया कि औरंगजेब ने इनका विरोध शुरू करना चालू कर दिया। एक्चुअली अंग्रेज चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे धर्म के लोग इस्लाम धर्म को कबूल करे, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखा कि इस समय जो सिख के गुरु हैं वो मात्र 5 साल की आयु के हैं, तो इस बहाने इनका विरोध उन्होंने शुरू करना चालू कर दिया कि ये अभी लायक नहीं है, इसीलिए हम अभी उनपे राज करेंगे। और इसीलिए औरंगजेब ने इनका विरोध शुरू कर दिया, जिसे सुलझाने के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ा। किसको? तो गुरु हरकिशन साहब को औरंगजेब से मिलने दिल्ली आना पड़ा। और उस समय दिल्ली में क्या था कि हैजा नाम की बीमारी फैली हुई थी। तो गुरु हरकिशन साहब ने औरंगजेब से मुलाकात की, कुछ बातें की, और दिल्ली में बहुत सारे जो लोग थे वो जो बीमार थे उनका स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। लेकिन इसी क्रम में उन्हें खुद चेचक की बीमारी से वे खुद पीड़ित हो गए। तो यही हम मैंने लिखा यहाँ पे कि जहाँ दिल्ली आए और जहाँ हैजा बीमारी फैली थी तथा वे चेचक से पीड़ित हो गए, वहीं पे वो चेचक नाम की बीमारी से उस समय पीड़ित हो गए। और चेचक उस समय इतने घातक हुआ करते थे कि उनका कोई ज्यादा इलाज था नहीं, जिसके कारण से क्या हुआ, तो 30 मार्च 1664 को गुरु हरकिशन साहब का निधन हो गया। और इन्होंने निर्देश दिया था कि उनके मृत्यु के पश्चात कोई रोए ना,
ठीक है दोस्तों। तो ये कहानी गुरु हरकिशन साहिब की थी। अब उसके बाद जो गुरु बने वो नौवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह जी। गुरु तेग बहादुर सिंह का शासन काल जो 1664 से 1675 ईस्वी को रहा था। 16 जन्म इनका कब हुआ था, तो जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब में हुआ था गुरु तेग बहादुर सिंह का। इन्हें हिंद का चादर कहा जाता है। क्यों हिंद का चादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने व्यक्तियों के लिए, मानव के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन में सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। क्योंकि वो चाहते थे कि हर आदमी अपना धर्म जो चाहे वो अब कबूल कर सकते हैं और वो धर्म को अपना सकते हैं, उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, जबरन उसका धर्म को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसके लिए वो हमेशा संघर्षरत रहे, जिसके कारण मुगलों से भी कई बार उनका संघर्ष चलता रहा। तो इसीलिए इनको हिंद का चादर कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर कर दिया लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। इनके समय में औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे थे। मतलब औरंगजेब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि औरंगजेब चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे धर्म के लोग इस्लाम धर्म को कबूल करें और इस्लाम धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार हो। तो औरंगजेब जबरन दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवा रहे थे। तो जिससे परेशान होके जो कश्मीरी पंडित थे वो गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शरण में आए। यही हमने लिखा कि उस समय औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे थे, जिनसे परेशान कश्मीरी पंडित इनके शरण में आए। किनके शरण में, गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शरण में आए। और गुरु तेग बहादुर सिंह जी औरंगजेब को ये चैलेंज किया कि अगर आप मुझे इस्लाम धर्म कबूल करवा लेंगे तो ये सारे जो पंडित है कश्मीरी पंडित भी इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। यानी कहने का उनका मतलब था कि आप कितना भी कुछ कर ले, मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा। और जब मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा तो ये कश्मीरी पंडित, कश्मीरी लोग या अन्य जनता जो गरीब गुरबा है, कमजोर है, वो क्या इस्लाम धर्म कबूल करे। तो आप में अगर हिम्मत है तो आप मुझे पहले इस्लाम धर्म कबूल करवा करके दिखाए। जिसके कारण क्या हुआ, तो औरंगजेब ने उनपे, गुरु तेग बहादुर पे इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए काफी उनको यातना देना शुरू कर दिए। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, जिससे औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को भी धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उन्हें काफी यातनाएं दी, लेकिन गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो थे वो झुके नहीं और अपने धर्म पे, अपने बातों पे अड़ी रहे। और जिसके कारण क्या हुआ, तो अंत में 24 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक पे इनका शीश को कटवा दिया गया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह के शीश को कटवा दिया गया, और जहां पे कटवाया तो वो एक शहीदी स्थल सिखों के लिए बन गया और वहां पे शीशगंज नाम के गुरुद्वारे को स्थापित किया गया। तो यही लास्ट पॉइंट हमने लिखा, इसी शहीदी स्थल पे आज शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया, जो कि आज भी दिल्ली के चांदनी चौक में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब ये नौवे गुरु तक का इतिहास है। आइए देखते हैं दसवें गुरु को, गुरु गोविंद साहिब को। तो दसवें और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह साहिब। गुरु गोविंद सिंह साहिब जिनका शासन काल 1675 से 1608 ईस्वी के बीच रहा। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पे सिख प्रकाश उत्सव हर वर्ष मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे जो मात्र 9 साल की आयु में गद्दी पे बैठे, क्योंकि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को शीश कटवा दिया था और उस समय उनके पुत्र जो गुरु गोविंद सिंह थे वो 9 साल के ही थे। तो 9 साल की उम्र में ही उन्हें सिखों की गद्दी को अपनाना पड़ा, उस गद्दी को संभालना पड़ा और उस गद्दी पे उसे बैठना पड़ा। पिता की मृत्यु के बदला लेने के लिए उन्होंने तलवार उठाई तथा 22 दिसंबर 1704 को सिरसा नदी के निकट चमकौर नाम के जगह पे सिख और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, क्योंकि उनके मन में मुगलों के प्रति बहुत सी घृणा हो गई और मुगलों द्वारा जो अत्याचार होने लगा लोगों पे, तो उनके विरोध करने के लिए वो मुगलों को हमेशा संघर्ष देते रहे। और इसी क्रम में 22 दिसंबर 1704 ईस्वी को सिरसा नदी के निकट चमकौर नाम के जगह पे, जिसे चमकौर युद्ध भी कहते हैं, वहां पे सिख और मुगलों के बीच ऐतिहासिक युद्ध लड़े। और उसी युद्ध में जो गुरु गोविंद सिंह साहब थे उनके जो दो पुत्र थे अजीत सिंह और जुझार सिंह वो मारे गए और उन्हें शहादत प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी गुरु गोविंद सिंह झुके नहीं, वो गुरु गोविंद सिंह
वो बहुत ही एक साहसी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, साहसी प्रतिभा के व्यक्ति थे और लोगों में वो साहस भरते थे। और इसीलिए उन्होंने हमेशा एक नारा देते थे कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्रों ना मैं शेर बनाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम धराऊं। मतलब सवा लाख से एक सिख युद्ध करके उसको हरा सकता है। और इस तरह की शक्ति, इस तरह का विचार वो लोगों में भरते थे कि आप मजबूर नहीं है, आप कमजोर नहीं है, अगर आप पे कोई अत्याचार करे, आप पे कोई जुल्म करे तो आप बेधड़क उनसे लड़े और ये मत डरे कि मैं अकेले हूँ। आप वो शक्ति अंदर में लाएं जिससे आप सवा लाख को भी अपने सामने हरा दे। तो वो प्रतिभा के व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह साहब थे जो कि सिखों में एक आत्मविश्वास को भर दिया और हमेशा वो अत्याचार, मुगलों के अत्याचार से हमेशा संघर्ष करते रहे। उसके बाद उनके दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल गवर्नर वजीर खान के आदेश पे दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब जो चमकौर के युद्ध के बाद भी नहीं रुके और विद्रोह करते रहे, तो मुगल के जो गवर्नर थे उस समय वजीर खान, वो उनके दो पुत्र और थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको भी दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। लेकिन उनसे पहले क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ, खालसा का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध, वैसा शुद्ध मतलब सिख वैसा जो विधिवत रूप से सिख धर्म को सिख धर्म के दीक्षा प्राप्त करके सिख धर्म का अनुयायी बने। वैसे तो सिख सभी होते हैं जो जातिगत सिख तो सिख हुए, लेकिन वैसा सिख जो गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करके उनका अनुयायी बन जाते थे उनको वो खालसा के रूप में जाने जाते थे। और वहां से उन्होंने खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद साहब ने आनंदपुर साहिब से वैसाखी के दिन शुरू किया। और उन्होंने उस दिन क्या किया था तो अपने जो 5 प्यारे शिष्य थे उनको उन्होंने अमृत पान करवाया था और 5 को अमृत पान करवाने के बाद उनको खालसा बताया गया कि वे आप खालसा हो गए, शुद्ध हो गए। और फिर उन 5 प्यारों से खुद अमृत पान किया था तो खुद भी खालसा हुए और वहां से उसने सिखों में खालसा पंथ का स्थापना किया था। इन्होंने सिख और कौर की परंपरा की शुरुआत की, जो वो कहते थे कि हर जो सिख हैं पुरुष वो अपने नाम के पीछे टाइटल में सिख लगाएंगे और जो महिलाएं हैं वो अपने नाम के पीछे टाइटल में कौर लगाएंगी। तो सिख और कौर की परंपरा की शुरुआत गुरु गोविंद साहब ने ही करवाई थी। इन्होंने 5 कौकार का उपदेश दिया था, मतलब हर सिखों को उन्होंने कहा था कि 5 को अपने जीवन में आप रखें और धारण करें। और वो 5 कौकार क्या है तो पहला है कृपाण, कि हर सिख को जो खालसा पंथ के अनुयायी है उसको कृपाण रखना चाहिए। करा, जो हाथों में बाला कड़ा होता है वो कड़ा पहनना चाहिए हर सिख को। केस, अपने बाल को बढ़ाकर रखना चाहिए अपने जीवन में। कंघा हमेशा अपने पास रखना चाहिए और कच्छा धारण करना चाहिए, यानी कि कृपाण, करा, केस, कंघा और कच्छा, ये 5 कौकार को हर सिख को धारण अपने शरीर में करना चाहिए। ये उपदेश गुरु गोविंद साहब जी ने हर सिखों को दिए थे। इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया तथा आदि ग्रंथ को पुनः संकलन कर उन्हें अगला गुरु बना दिया, क्योंकि एक गुरु के बाद अब क्या होने लगी तो सिख धर्म में उन्होंने देखा कि लालच, गद्दी के लिए लालच सी बढ़ रही थी, आपस में विरोध होने लगा था, तो इस कुरीति को वो भाग गए और उन्होंने पहले ही अपने जीवन काल में ही ये ऐसा एक रूल बना दिया कि जो आदि ग्रंथ जो थे उनको वो उन्होंने फिर से संकलन किया, उसमें कुछ विचारों को, अच्छे बातों को संकलित किया और उन्होंने कहा कि मेरे बाद अब कोई भी व्यक्ति सिखों के गुरु नहीं होंगे और जो गुरु होंगे वो यही आदि ग्रंथ दिए हैं, उनमें जो विचार है, उन्हें उनमें जो संकलन है उन्हीं को लोग पढ़ें और उन्हीं को पालन करें, वही अब सिख के अगले गुरु रहेंगे और अनंत काल तक यही गुरु आदि ग्रंथ साहब जी ही रहेंगे। तो इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया तथा आदि ग्रंथ को पुनः संकलन कर उन्हें अगला गुरु बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ तो फिर 1707 में जो औरंगजेब थे, जो तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब थे, वो उनके मृत्यु हो गई और इनके मृत्यु के पश्चात
क्या हुआ कि मुगल जो है वो धीरे धीरे कमजोर होते गए और उनके जो पुत्र थे औरंगजेब के उतने योग्य नहीं थे, वो कमजोर थे। तो बहादुर शाह प्रथम के साथ गुरु गोविंद सिंह ने संधि कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं बहादुर शाह प्रथम और गुरु गोविंद सिंह आपस में एक समझौता, लड़ाई के बदले एक समझौता करने की स्थिति में आ गए। इसीलिए बहादुर शाह प्रथम से उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने संधि कर ली, जिसके कारण क्या हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह के जो सहयोगी हमेशा से रहे पठान समुदाय, उनके सहयोगी रहे पठान समुदाय, इनसे नाराज हो जाते हैं। जो पंजाब साइड के जितने पठान समुदाय थे वो गुरु गोविंद सिंह से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने तो औरंगजेब से युद्ध किया और जब औरंगजेब मर गए तो उनके पुत्र से, मुगलों से वो संधि कर लिए, जिसके कारण से पठान समुदाय क्या हुए तो गुरु गोविंद साहब से नाराज हो गए। और इसी नाराजगी के कारण क्या हुआ, तो 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे एक अफगान सरदार के द्वारा गुरु गोविंद साहब की हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो गुरु गोविंद साहब की इतिहास यहीं तक रही, और नेक्स्ट जो गुरु रहे वो वहां से आदि ग्रंथ जो उनके पवित्र ग्रंथ है उनको बना दिया गया। तो ये रहे गुरु जो सिखों के 10 गुरुओं के बारे में, करीब करीब यहाँ पे हमने कोशिश किया कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं 10 गुरुओं के बारे में वो मैं आपको बता सकूं। इसके अलावा भी आपके पास जो बुक है उससे आप पढ़ेंगे तो करीब करीब सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के पश्चात सिख धर्म कैसे आगे बढ़ा और सिखों का कैसा राज हुआ और कैसे सिख अपना साम्राज्य को विस्तार किया, रणजीत सिंह राजा महाराजा रणजीत सिंह कौन थे और कैसे सिखों पे उन्होंने अपना नियंत्रण किया। तो ये वीडियो आज आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसका इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बीपीएससी 56 और 59 में भी 9th के प्री में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग सिख साम्राज्य के विस्तार के बारे में देखेंगे और आंग्ल सिख के युद्ध के बारे में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद दोस्तों।